विदिशा जिले के सिरोंज में एक युवक ने थाना प्रांगण में जहर खा लिया। दरअसल मामला सिरोंज के ग्राम हरिपुर का है, जहां दुर्गा प्रसाद जमीनी मामले को लेकर सिरोंज थाना एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे, जहां थाना प्रभारी द्वारा युवक पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और इसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि थाना प्रांगण में युवक ने जहर की गोलियां खाई, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने युवक को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया है। स्थिति गंभीर होने पर युवक को विदिशा के लिए रेफर कर दिया है और इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसको लेकर सिरोंज थाने में परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं आरोपी और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की गई है। एसडीओपी की समझाइश के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। पूरी घटना हुई थी, हम कचरों काट पे गए थे तो हमें मारने लगे एसडीओ ले लेकर, वो लठ दे डंडा उठा उठा कर हमें हमारे आदमी में तक आता है और कीत को। हाँ तो ये आप जब थाने आए कोई कार्रवाई नहीं की थी कभी? कौन करी थी, हमने कार्रवाई से झेली नहीं। अब कागज झाई डर वो पैसा दे गई, और वो पैसा दे गई, हम कहाँ से दे गरीब आदमी पैसा, हम कहाँ से दे। ये घटना हुई के हम कचरों काटने गए हैं, कचरों काटने गए सुबह औरत ने हमें डीमा मारे, तुम क्यों घुस रही मेरे खेत में? तो हम कहला हमरो खेत है, जो भी हमरो तूने आग लग के वहाँ को दारी चली जाई नहीं, हम सुधार सुधूर और दे। तो हम बस सुन के जाए आ गए थाने, थाने बारे ने रिपोर्ट नहीं सुनी। वो गिर गया, कोई जमीन भूमि का सीमा संबंधी विवाद लंबे समय से चले आ रहा है, उसको लेकर इनका गांव में आपसी कहा सुनी तूतू में हुई थी, जिसकी दोनों पक्ष ने थाने पर उपस्थित होकर अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा लिखा है दोनों पक्षों में। उसके बाद इस व्यक्ति ने दुर्गा अहिरवार ने पता नहीं क्या कुछ खा लिया और ये उल्टी कर रहा था थाने के प्रांगण में आकर, तो थाने से इसको भेजा गया तत्काल हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के बाद इसको विदिशा रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। इसमें ये बात सामने आई है कि एक ज़मीन को लेकर उनका विवाद बना हुआ था और एक शासकीय ज़मीन पर कब्जे को लेकर भी विवाद की बात आ रही है। उस शासकीय ज़मीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच में कब्जे को लेकर विवाद था और उसके कारण वो लोग आए दिन झगड़ा करते रहते थे। बीच बीच में बेदखली का आदेश भी हुआ है, अर्थदंड भी भरवाया गया है उनसे, परंतु उसके बाद भी शायद उनका कब्जा को लेकर विवाद बना हुआ था। अभी पुनः हमने एक सीमांकन का दल गठित किया है, दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है कि जिस अनुसार कब्जा है भूमि स्वामी स्वत्व में जो कब्जा है वो उनको विधिवत दिलवाया जाएगा, और शासकीय भूमि में अगर किसी का भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको पूर्ण रूप से शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा।